दोस्तों खुद से झूठ बोलना बंद करें। हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ पॉइंट आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। वो पॉइंट ये है कि मैं आज के बाद से खुद को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये झूठ से बाहर निकलूंगा। निकल कर तो देखिए दोस्तों, जब आप खुद को ये झूठ बोलना बंद कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। सो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहला झूठ हम ये बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है खुश रहने के लिए। क्या बात करते हो दोस्तों, ऊपर वाले ने इतनी प्यारी जिंदगी दी है, दो हाथ दो पैर दिए हैं, दो आंखें दी हैं, इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स दिए हैं, फिर भी हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है खुश रहने के लिए। दोस्तों खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, खुश रहने के लिए एटीट्यूड की जरूरत है। अंदर से खुश होना सीखिए। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं खुश रहूं। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, इतनी कंप्लेन करते हैं ना दोस्तों। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपने उस अलमाइटी का शुक्र अदा करना शुरू किया, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे शुक्र करने के। अगर आपने कंप्लेन करना शुरू किया तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कंप्लेन करने के लिए। तो खुश रहने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे अमीरों को ऐसे बोलते हुए देखा है कि मेरी पूरी पैसे चले जाए, मेरा जो बैक हिक है ना, यानी जो पीठ दर्द है, वो गायब हो जाए। तो दोस्तों पैसे से लोग अमीर नहीं होते, अमीर होते हैं अपनी सोच से। तो खुश होने के लिए वजह ढूंढिए। अगर आप अपने फैमिली के साथ में हो तो वजह ढूंढिए, अपने दोस्तों के साथ में तो वजह ढूंढिए। खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पार्टी की जरूरत नहीं है, एक वड़ा पाव भी लीजिए आप खुश रह सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। ये हम झूठ बोलते हैं। आपको आज से इस झूठ से बाहर निकलना है। मेरे ड्रीम्स हमेशा पूरे होते हैं। मैं जो सपना देखता हूं, मैं जो गोल देखता हूं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितना अट्रैक्ट करोगे उतना आप अपने गोल के करीब जाओगे। बहुत से लोग हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में रोते हैं कि मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। मैं सच बोलता हूं, जो बंदा ये बात करता है मेरे ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे, उनके ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे। और जो बोलता है कि मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, क्योंकि उसको अपने अलमाइटी पर, अपने खुद पर, अपने रिलेटिव्स पे, अपने दोस्तों पे, अपने काम करने के तरीके पे भरोसा होता है, इसलिए वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, उनके कभी सपने पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं उन लोगों में अटका पड़ा हूं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। दोस्तों एक नेचर हमेशा अपने साथ में रखो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। हम माफ तो करते हैं लेकिन भूलते नहीं है। अगर मुझे किसी ने तकलीफ दी है, नेचुरली तकलीफ दी है, बहुत हर्ट हुआ है दोस्तों, मैं उसको बहुत दिल से चाहता था, मेरे साथ में था, मेरा दोस्त था, लेकिन उसने मुझे तकलीफ दे के चला गया, अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूं ना, उसको माफ कर रहा हूं ना, मैं उसको भूल रहा हूं। और इसे तकलीफ किसको हो रही है? इसे तकलीफ मुझे खुद को हो रही है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों मालूम है? उसको भूल जाना है, फॉरगिव करना है, उसको माफ कर देना। जब भाई मैंने तुमको अपने दिमाग से निकाल दिया, यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि मैं आपको अपने दिमाग में रखूं। मैंने तुझे अपने दिमाग से निकाल दिया, और जब मैंने तुझे अपने दिमाग से निकाल दिया हूं तो मैं तेरे बारे में नहीं सोचने वाला, भूल जाओ उसको। कभी कभी क्या होता है, हम फॉरगिव करते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, मेरे जो फेल्ड रिलेशनशिप हुए वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। यानी जो रिलेशनशिप फेल हो गए मेरे साथ में, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैंने उसको अपना टाइम दिया लेकिन मेरा रिलेशनशिप क्या हो गया, वहां पे फेल हो गया। यहां हर बंदा खुद से झूठ बोलते रहता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने उनको समय दिया था तो वक्त भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वक्त गुजारा आपने उनके साथ में। आज वो आपके साथ में नहीं है तो उनके बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि मेरा टाइम क्या हो गया, वहां कंप्लीटली वेस्ट हो गया। दोस्तों या तो कोई आपको प्यार देके चला जाता है या कोई लेसन देके चला जाता है। तो ये सबक आप अपने दिमाग में रखिए और नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत कीजिए। कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। हमेशा तो अच्छा हुआ है दोस्तों, इस दुनिया में आए हम, इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, इतनी अच्छी सांस ले रहे हैं, सुबह उठते हैं नींद को हरा के, मौत को हरा के, क्या नहीं अच्छा हो रहा है दोस्तों? मेरे साथ में हमेशा अच्छा होगा। जब ये आपकी सोच होगी ना कि मेरे साथ में हमेशा अच्छा होगा, तो आपके साथ में हमेशा अच्छा होगा। फेलियर बहुत बुरी चीज है दोस्तों। मैं कहता हूं कि फेलियर है तो ही तो सक्सेस का मजा है। अगर आप नीचे गिरोगे तो ही उठने का आपको मजा मिलेगा। हमेशा अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो फेलियर कौन देखेगा? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज नॉट अपोजिट द सक्सेस। फेलियर को इंजॉय करना सीखो दोस्तों। इसके ऊपर मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, इंजॉय द फेलियर। अगर जो इंसान अपनी फेलियर को इंजॉय करने लग गया, वो जिंदगी में खुशहाल हो गया, वो जिंदगी में बहुत आगे चला गया। इसलिए आपको अपनी फेलियर को एंजॉय करना है, आपको मजे लेना है कि इस फेलियर ने मुझे क्या सिखा, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखा है और मैं इसे कैसे ओवरकम करूंगा। अच्छी चीजें मुझे बिना मेहनत किए मिलेगी नहीं दोस्तों, देर इज नो
सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, कोई हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको चीज मिलेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि भाई मुझे ये चीज मिलेगी बिना मेहनत के। ये झूठ बोलना बंद करो, उठो चलो। क्योंकि अगर कोई मुझे बोलता है कि अगर तेरी किस्मत में ये चीज नहीं होगी तो तुझे नहीं मिलेगी, तो तू मेहनत क्यों करता है, किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, तो मैं उसको बोलता हूं कि अगर मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि मेहनत कर तो तुझे ये मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, मेरा पास्ट 100% मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहुत से लोग ये चीजें बोलते हैं दोस्तों कि मेरे पास्ट की वजह से मेरा फ्यूचर खराब होगा। नहीं दोस्तों, पास्ट के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सारी गलतियां की है। आपकी जो गलतियां है वो आप ना रिपीट करो। आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि प्रेजेंट में आप क्या करते हो, जो पास्ट में आपने गलती की है उसके ऊपर आप ओवरकम करते हो, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आप खुद को उतना लायक बनाते हो कि फ्यूचर में आपकी चीजें वो और अच्छी बने। हम कल और कल के चक्कर में, यानी पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हमने प्रेजेंट को खराब करके रखा है। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचो कि मेरा पास्ट मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। नहीं दोस्तों, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको नई नई चीजें सीखनी है, नए लोगों के साथ में मिलना है, नई क्वालिटी सीखनी है, नई स्किल सीखनी है, जिससे आपका फ्यूचर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों मुझे किसी नए से मिलने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा हम खुद से झूठ बोलते हैं। दोस्तों जितना आपका होराइजन बड़ा होगा, जितना आपका सर्कल बड़ा होगा, जितना आपके पास में लोग होंगे, उतना आप ज्यादा जिंदगी में क्या होगे, कामयाब होगे। ये आज की जो दुनिया है वो नेटवर्किंग की दुनिया। आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, पॉलिटिशियन हो, आप कोई भी काम करते हो, तो आपको अपने नेटवर्क को क्या करना है, बड़ा करना ही करना है। हर किसी से मिलना है, हर नए से मिलना है, उससे सीखना है, उसके काम आना है, उसको काम देना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं उनके बिना जी ही नहीं सकता जो मुझे छोड़कर चले गए। दोस्तों जो छोड़ के चला गया वो आपका कैसे हुआ, वो आपका तो है ही नहीं, वो आपको छोड़ के चला गया। छोड़ दीजिए उसको, आप भी छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और यही आपकी अनसक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो आपको छोड़ के चला गया वो आपके लायक नहीं था, आप उसके लायक नहीं थे, वो आपके लायक नहीं था, इसलिए अच्छा हो गया वो चला गया, वो छोड़ के चला गया। आप उसको अपने दिमाग से भी क्या कर दो, निकाल दो। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं अब तक तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। दोस्तों मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और हमेशा ये सोचो कि मुझे कोई काम करना है, जरूरी कि आप उसमें परफेक्शनिस्ट हो। काम करने में आओ, सीखते 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 आप उसमें परफेक्शनिस्ट बनोगे। कोई भी, जैसे मैंने वीडियोस बनाने शुरुआत की थी यूट्यूब पे, दोस्तों मुझे नहीं पता था कि कैसे वीडियोस बनते हैं, कैसे बनाया जाता है वीडियो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बनाना शुरू किया। और मेरे अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे और आपकी वीडियोस देखोगे तो उसमें और मैं उसमें सीख रहा हूं, और चीजें सीख रहा हूं। कंटेंट अच्छा होता था, लेकिन हो सकता है रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, मेरे बोलने में प्रॉब्लम है, तो लेकिन मैंने चीजों को सीखने लगा। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए मैं तैयार नहीं हूं। दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं होता, करते करते लोग परफेक्ट बन जाते हैं। 10,000 hour rule इसी का नाम है कि आप अगर काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आप उस चीज में क्या हो जाओगे, चैंपियन हो जाओगे, और आप अपनी तरक्की के ऊपर चलने लगोगे। नेक्स्ट दोस्तों है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। दोस्तों हम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले सरवाइव करेंगे और अकेले जाएंगे। जो लोग मिलते हैं वो किसी कारण से मिलते हैं, जो लोग बिछड़ते हैं वो किसी कारण से बिछड़ते हैं, लेकिन हमारा कारवा, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलना चाहिए। तो आपको किसी के आने से खुशी होनी चाहिए, किसी के जाने से गम होना चाहिए, लेकिन वो टेम्पररी। अगर आप उसके शौक में बैठे रहोगे तो जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोई भी आपकी जिंदगी से चला जाता है, नो डाउट वो बहुत बड़ा आपके लाइफ में स्पेस छोड़ देता है, लेकिन आपको क्या करना है पता है दोस्तों, आपको उससे बाहर निकलना है। एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, उस खूबसूरत दुनिया में आपको जीना है। बहुत से लोग आप पे डिपेंड करते हैं, उनको आपको कुछ देना है। तो दोस्तों ये जो झूठ में इंसान जीता है ना, अगर ये झूठ से अगर वो बाहर निकल गया तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि वो सच में जीने लगेगा। और जब इंसान सच में जीता है तो वो सक्सेसफुल होता है, वो खुश रहता है, और वो दूसरों को भी खुश रखता है। दोस्तों ये पॉइंट मैं बड़े मेहनत से लाता हूँ आपके लिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे प्यारे प्यारे से कमेंट दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।